नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, कल झारखंड सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है कल यानी कि 10 जनवरी 2023 को झारखंड सरकार एक ऐप और एक पोर्टल लॉन्च की है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिसका नाम है हम इन कर बजट। यानी कि झारखंडी भाषा में लिखा गया है हम लोगों का बजट, ठीक है। तो इसमें आपको इस पोर्टल और ऐप में क्या होगा इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये ऐप और पोर्टल किस पर्पज़ से लॉन्च किया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले करेंगे थोड़ा सा रिक्वेस्ट, कर देखा आपने हमारे जान पोर्टल नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा जानकारी देंगे, कल यानी कि 10 जनवरी 2023 को झारखंड सरकार एक पोर्टल लॉन्च की है और एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है हम इन कर बजट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम इन कर बजट के नाम से एक पोर्टल और एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है 10/1/2023 यानी कि कल के डेट में। तो ये पोर्टल और ये ऐप से क्या होगा, यानी कि हम इन कर बजट पोर्टल और हम इन कर बजट ऐप क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले करेंगे छोटा सा रिक्वेस्ट, कब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को निशान को दबाइए ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि हम इन कर बजट जो ऐप और पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उसमें सरकार इस पर्पज से लॉन्च की है कि लोगों को उसमें सुझाव मांगा गया है, ठीक है। बजट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ और जो मतलब कि 3 लोगों को सेलेक्ट भी किया जाएगा और उनको मतलब कि जिसका सुझाव अच्छा रहा फीडबैक उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से आप देख पा रहे होंगे कि पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से आम नागरिक भी राज्य बजट 2023-24 से संबंधित अपना सुझाव 30 जनवरी तक ऑनलाइन भेज सकते हैं। 3 सर्वश्रेष्ठ चुनाव सुझाव देने वाले को सम्मानित भी किया जाएगा। पोर्टल का ये लिंक है और मोबाइल ऐप का ये लिंक है, ठीक है। इसमें आपको मैं बता दूं कि इस पर फिलहाल आपको मोबाइल ऐप का ये प्ले स्टोर का यहाँ पे लिंक है, देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस हो जाएगा हम इन कर बजट, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से और झारखंड सरकार के यहाँ पे ऐप दिया गया है। तो ये पोर्टल का ऐप का ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाया, ये लोगो है इसका। फिलहाल हम लोग इसको बैक कर देते हैं और यहाँ पे बात करते हैं पोर्टल को। तो पोर्टल पे यहाँ पे पोर्टल का भी लिंक दिया गया है। पोर्टल का कुछ इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऐप और पोर्टल में पूरा फीचर सेम है, ठीक है। ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, iOS और एंड्रॉयड के लिए बनाया गया है और पोर्टल भी। इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हम इनकर बजट पोर्टल पर स्वयं को पंजीकरण करें, यानी कि आपको मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस के थ्रू अपना OTP के द्वारा इसमें पंजीकरण करना होगा और अपना बेसिक डिटेल अपना नाम डिस्ट्रिक्ट ये सब फिलअप करना होगा, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है रजिस्ट्रेशन पे के बारे में पूरा कंप्लीट। यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए, आप एक बार रीड कर लीजिए। अब आइएगा तो यहाँ पे पोर्टल का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। हम इनकर बजट वित्त विभाग झारखंड सरकार 23-24 का ये बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है या ईमेल एड्रेस डालना है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए और OTP पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, हालांकि डिटेल्स में हम फिलहाल इसको नहीं जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, अपना बेसिक डिटेल फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ठीक है, अपना प्रोफाइल को। और वहाँ पे आपको 2 कैटेगरी दिया जाएगा, एक विभाग का एक जनरल यानी कि सामान्य कैटेगरी का, ठीक है। तो उसको आपको अपना सुझाव देना है और आप चाहते हैं कुछ इमेज JPG या PDF में आप उसके साथ फाइल भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपको कुछ बजट के लेकर कुछ सुझाव आपको देना है किसी विभाग के लेकर के, या सामान्य कोई सुझाव हो तो आप 20 जनवरी तक अपना सुझाव भेज सकते हैं। तो बस सिंपल सा है, ये दोनों ऐप और वेबसाइट जो पोर्टल बनाया गया है उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप एक बार इसे चाहे तो यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं।